नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। किसान देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। नेताओं के हर भाषण में किसान जरूर होता है, पर किसानों की समस्या को लेकर प्रशासनिक रवैया काफी ढुलमुल रहा है। आए दिन किसानों के साथ किसी ना किसी प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, पर उन पर ध्यान देने वाले ही अधिकांशतः किसानों का शोषण करते हैं। मामला त्योंथर तहसील के पड़री सरकारी समिति का है, जहां समिति प्रबंधक किसानों पर जबरन कर्ज लाद रहे हैं। समिति प्रबंधक पड़री ने कई किसानों का फर्जी कर्ज बनाकर बड़ी राशि डकार ली है। मामला प्रकाश में आने पर जब जांच की गई तो पता चला कि सैकड़ों किसानों के चेकबुक पर तो कम राशि है, लेकिन कैशबुक पर ज्यादा राशि भरकर समिति प्रबंधक द्वारा निकाल ली गई है। जब किसानों ने प्रबंधक से मामले में जानकारी मांगी तो प्रबंधक द्वारा उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया गया। किसानों का कहना है कि प्रबंधक से जब बात करने जाओ तो डराते धमकाते हैं, जिसके चलते क्षेत्र के ज्यादातर किसान ऋण लेने से डरते हैं। इस मामले में एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। गौरी शंकर पाल ग्राम बुदामा के एक छोटे से किसान हैं। इन्होंने बताया कि हमने बच्चे की शादी में सोसाइटी से कर्ज लिया था, जिसको निकालने के लिए भी प्रबंधक द्वारा 1000 की राशि ली गई थी। मैंने एक बोरी डीएपी और 5 बोरी सुपर फास्फेट खाद ली थी, जिसका अधिकतम शुल्क 3000 होना चाहिए था, लेकिन खाद का 19000 रुपये ऋण चढ़ाया गया है। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो समिति प्रबंधक पड़री के फर्जी कर्ज के तले दबे हुए हैं। सूत्रों की माने तो जब इस मामले में समिति प्रबंधक से बातचीत की गई तो पहले तो उन्होंने मामले को झूठा बताया, फिर बाद में खुद फोन पर धमकी भरे लहजे में कहा कि मुझे आपके द्वारा की गई शिकायतों से कोई डर नहीं है। ऐसी शिकायतें होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है।